हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सुनीता कालरा और मेरे चैनल सुनीता कालरा आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक काली वाली छिलके वाली उड़द की दाल। इसको हमने सीटी लगा दी है नमक और हल्दी डाल के। 2 से 3 सीटियाँ इसको हमने लगा रखी है। अब हम गैस पर बर्तन रखेंगे और उसमें एक छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे और उसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको थोड़ा सा भून लेंगे और साथ में डालेंगे टमाटर की प्यूरी। 2 कप टमाटर की प्यूरी, इसके साथ जाएगा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हरा धनिया। आंच को हम थोड़ा तेज कर लेंगे ताकि इसको अच्छे से पका लेंगे। 1-2 मिनट इसको चला लें अच्छे से और डालेंगे हम इसमें ये उबली हुई दाल और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, 1/2 ग्लास हम इसमें पानी डालेंगे या जितना आपको इसमें लिक्विड रखना है, बस उबाल आने देंगे इसमें और हमारी ये उड़द की काली वाली दाल तैयार है। बस इसमें 1 से 2 उबाल आ जाए इसको हम तेज आंच पर रखकर पकाएंगे। दाल में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें एक सीक्रेट डालेंगे जो इस दाल की शान है और इससे वो इसका स्वाद बढ़ा देती है। ये ज़रूर डालें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और इसको हम मिला लेंगे। दाल अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है। अब हम आंच को 1-2 मिनट के लिए धीमा कर देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। दाल तैयार हो चुकी है। लीजिए, इसको हम बॉल में सर्व कर लेते हैं। चावल से खाएं, रोटी से खाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट दाल है। एक बार ज़रूर बनाकर देखें। लीजिए, तैयार है दाल उड़द की काली वाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।